नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य हरीश बोल रहा हूँ योगामय लाइव यूट्यूब चैनल से। आज का मेरा विषय है तीन रहस्यमय अवस्थाएं जिनसे हम रोज गुजरते हैं। ये वेदांत का विषय है। अप्रोक्ष अनुभूति एक बुक है, उसका विषय है, जो कि शंकराचार्य ने संकलन की, आदि शंकराचार्य जी ने। तो इन अवस्थाओं से डेली हम गुजरते हैं। आज मैं इन पे डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और वो क्या हैं, किस तरीके से हम डेली इन अवस्थाओं से गुजरते हैं। देखिए, जीवन जो है वो बहुत सारे रहस्यों से भरा पड़ा है। असल में तो हमारा होना ही अपने आप में एक अद्भुत घटना है, एक रहस्य में घटना है। कभी कभी ये प्रश्न कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ अपने आप ही जहन में चला आता है, ख़ास तौर पर उस समय जब हम जीवन के किसी दुखद भाग से गुजर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, शायद कुछ क्षण के लिए हम इस प्रश्न पर गौर करते हैं और फिर भूल जाते हैं और खो जाते हैं अपनी ही बनाई हुई दुनिया में, अपने ही बनाए हुए संसार में, और हमें जो अपना संसार है वो अच्छा लगने लगता है। समझ नहीं आ पाता कि मेरा जो वजूद है वो है क्या। मैं हूँ, एक शरीर में हूँ, कुछ देख रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, कुछ स्मेल कर पा रहा हूँ, कुछ स्वाद ले पा रहा हूँ, कुछ महसूस कर पा रहा हूँ। तो इन पांच इंद्रियों से मैं इस शरीर की हर चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। मैं हूँ, संसार है मेरे चारों ओर, आप हैं, हम सब हैं, अच्छा बुरा, तरह तरह के भाव, कभी रोना, कभी हंसना, कभी बीमार पड़ना, कभी ठीक होना, यही जागृत अवस्था है। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। ये जागृत अवस्था जिससे हम रोज़ गुजरते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस अवस्था में गुजारते हैं, पांच इंद्रियों के खेल से खेलते हुए, भोगते हुए जीवन को, अच्छे बुरे को समझते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, हम मोस्ट ऑफ द टाइम जागृत अवस्था में होते हैं, हर रोज़ डेली। फिर सो जाते हैं तो स्वप्न लोग में होते हैं, फिर स्वप्न भी समाप्त हो जाते हैं तो एक और अवस्था आती है जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। रोजाना डेली ही तीन अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं से रूबरू होते हैं हम। स्वप्न में स्वप्न बिल्कुल रियल लगता है और सुषुप्ति में कुछ भी रियल नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। जब मैं स्वप्न में होता हूँ तो फिर वैसा ही संसार रचा हुआ होता है कि जैसे एकदम रियल हो। स्वप्न में भी मैं सब कुछ महसूस कर रहा होता हूँ जैसा वेकिंग स्टेट में होता है, जैसे जागृत अवस्था में होता है। वही मन खुश होता है, रोता है, कभी ट्रेन छूट जाती है, कभी ट्रेन पकड़ी जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई जी जाता है, कभी लॉटरी लग जाती है, तरह तरह के भाव ड्रीम में भी, तो वो भी एकदम रियल लगता है। समझ नहीं आता कि जो जागृत अवस्था थी वो सच था या ये स्वप्न अवस्था ये सच है। फिर एक तीसरी अवस्था भी आती है जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, जिसके बारे में बस इतना मालूम पड़ता है कि वो है और कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। इसमें ना तो स्वप्न होते हैं ना जागृति होती है, बस जागने में पता चलता है कि आज काफ़ी अच्छी नींद आई। गैप जो स्वप्न के बाद और जागने से पहले का जो गैप है वो सुषुप्ति अवस्था। बड़ी गजब की बात है ये भी। सुषुप्ति कब होती है? जिस समय महसूस करने वाला किसी वस्तु के विषय में कुछ नहीं जानता, जब ना कुछ जानना होता है और ना कोई वस्तु होती है। मजे की बात है कि जानने वाला जो जागृत अवस्था को महसूस कर रहा था और जो ड्रीम वाली अवस्था को, स्वप्न अवस्था को महसूस कर रहा होता है, वो गुम हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में वस्तुएं थी, व्यक्ति थे, स्थान थे, अच्छा था, बुरा था, मन था, इन सब के साथ हमारे संबंध थे, पर इस अवस्था में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बड़ी विचित्र अवस्था है। शरीरी का शरीर से कोई भी संबंध नहीं रहता, ना शरीर होता है ना शरीर होता है, पर इस समय वो मन के सारे दुखों को पार कर जाता है। दुख भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता, कुछ भी तो नहीं होता। वही जो महात्मा बुद्ध ने कहा था
जब उनसे पूछा गया कि परमात्मा क्या है, बड़ी सहजता से उन्होंने उत्तर दिया कि नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है परमात्मा। वेदांत भी यही कहता है, गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा, बस शब्द बदल गए, कहने का तरीका बदल गया। मैं सुषुप्ति अवस्था से कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुषुप्ति अवस्था से कुछ ना कुछ जोड़ पाऊँ, आपको कुछ ना कुछ नया बता पाऊँ। बड़ा विचित्र अनुभव है हमारे सुषुप्ति अवस्था से। फिर से अपनी बात पे आता हूँ, सुषुप्ति अवस्था, ड्रीमलेस स्टेट। ये अवस्था संसार के दुखों से रहित है, ना संसार है ना हमारा होना। आखिर है क्या ये अवस्था? कुछ कुछ माया यानी इग्नोरेंस की बात समझ में आ रही है। अवस्था बदल जाए तो कुछ नहीं है और बहुत कुछ है भी, कमाल ही तो है। एक अवस्था ही बदलती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जागृत अवस्था से ड्रीम में चले जाते हैं और ड्रीम से सुषुप्ति में सब गुम, न जानने वाला, न संसार, न हम, न इंद्रिया, न मन। विज्ञान कहता है कि ड्रीम लेस स्टेट में यदि हम ना जाएं तो पूरा सोने के बाद भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम सोए थे। सारी रिचार्जिंग इसी स्टेट में होती है, सारी के सारी रिचार्जिंग। इन तीनों अवस्थाओं से हम रोज गुजर रहे हैं, डेली गुजर रहे हैं, लेकिन ये नहीं तय किया जा सकता कि सच क्या है। हम एक शरीर में हैं, मानव शरीर में, एक यंत्र है जिसमें आग देख रही है एक दृश्य को। इस दृश्य को देखने वाला भी है, महसूस करने वाला भी है, जो देख रहा है आग के द्वारा। दृश्य जो है वो आग के द्वारा देखा जाता है। अब यदि आग को हटा दिया जाए तो दृश्य क्या होगा? क्या वो दृश्य वैसा ही होगा जैसा आपको दिख रहा था? एक ही दृश्य जानवर अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है हम अलग तरीके से देख रहे हैं और जो उनको दिखाई दे रहा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, और हमें जो दिखाई दे रहा है वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। यही माया है, इग्नोरेंस है। देखने वाला आजाद नहीं है, लिमिटेड है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, जीवा के द्वारा, स्किन के द्वारा। लेकिन ये सब के सब तंत्र हैं, यंत्र हैं, और इनके द्वारा ज्ञान पैदा हो रहा है। वो तब तक महत्वपूर्ण है जब तक देखने वाला इन यंत्रों की सहायता से देख रहा है और महसूस कर रहा है। इसलिए इस ज्ञान को विज्ञान इग्नोरेंस कहता है, अज्ञान कहता है, क्योंकि इस ज्ञान की सच्चाई केवल मानव रूपी यंत्र के लिए है और बस कुछ भी नहीं है इसका मतलब। अपरोक्षानुभूति एक बहुत अति महत्वपूर्ण रचना है शंकराचार्य की, और बहुत ही अद्भुत पुस्तक है ये। इस पुस्तक में इन तीनों अवस्थाओं का जिक्र आता है। अपरोक्षानुभूति के अनुसार इग्नोरेंस और थॉट मिलकर ही सब कुछ रच रहे हैं। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान जो हमें दिखाया जा रहा है, थॉट का मतलब है हमारे विचार, हमारे खुद के विचार। ये अज्ञान जो हमें दिखाया जा रहा है और हमारी थॉट मिल के हमारा चारों ओर का संसार रच रही है। और जो सुषुप्ति अवस्था थी तब ना इग्नोरेंस थी ना हमारे विचार थे, सब कुछ यांत्रिक है और सब यंत्रों और वस्तुओं के पैरामीटर भी हैं, पर देखने वाला जो है वो यांत्रिक नहीं है, उसके पैरामीटर भी नहीं है। जो ये देखने वाला है वो जागृत अवस्था में भी है, वही स्वप्न अवस्था में है और वही सुषुप्ति अवस्था में भी है। मैं अपने चारों ओर के संसार को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, फिर स्वप्न अवस्था में फिर एक नई दुनिया को महसूस करता हूँ, देखता भी हूँ। सुषुप्ति घटित होने के बाद उसका भी साक्षी रहता हूँ, मैं हूँ, आप हैं। तीनों की तीनों अवस्थाएं रियल नहीं है, एक जाती है दूसरी आती है, जागृति से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति। एक बात कॉमन रहती है, देखने वाला जो अवस्थाओं के बदलने पर भी नहीं बदलता, क्योंकि मैं इस जागृत अवस्था में संसार को देखता हूँ, मैं ही स्वप्न अवस्था में स्वप्न देखता हूँ, मैं ही सुषुप्ति अवस्था में अनुभव कर रहा होता हूँ सुषुप्ति का। लेकिन ये तीनों अवस्थाएं शरीर से होके गुजरती हैं, तीनों का एक्सपीरियंस मैं शरीर से ही करता हूँ। एक और अवस्था का भी जिक्र वेदांत में आता है जिसे चतुर्थी कहा जाता है।
चतुर्थी यानी कि चौथी, जिसे तुरीय अवस्था भी कहा जाता है, जो प्योर सेल्फ की अवस्था है। जब मैं तीनों अवस्थाओं को शरीर से देखना छोड़कर अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाता हूँ तो उसे तुरीय कहते हैं, जहाँ देखना भी नहीं होता, दिखाना भी नहीं होता, यंत्र भी नहीं होता, तंत्र भी नहीं होता। बात समझने की है, नाम कोई भी हो सकता है, धर्म के अनुसार तुरीय हो सकता है, चतुर्थी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्योर सेल्फ हो सकता है। वो अवस्था जिसमें फिल्टर ना लगे हों शरीर के, वो अवस्था जिसे सब कुछ देखने के लिए आंखों की आवश्यकता ना हो, जिसे सब कुछ देखने के लिए कानों की जरूरत ना हो सब कुछ सुनने के लिए। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हम गहन चिंतन करें, विचार करें कि मैं कौन हूँ। यही विचार ही हमें हमारे दुखों से पार लेके जाएगा, यकीन मानिए। यही एक विचार कि मैं कौन हूँ, यही एक विचार हमें हमारे दुखों से भी पार लेके चला जाएगा। यकीनन सच जानने से समस्या सोल्व हो जाएगी। हमेशा सच जानने से समस्या सोल्व ही होती है, सच समस्या को सोल्व ही करता है, सच जो है सुलझाता है। ये तीन अवस्थाएं और चौथा मैं, सब कुछ बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा। योगा माई लाइफ मेरे चैनल का नाम है, जुड़े रहिए, इस प्रकार का चिंतन हम करते रहेंगे हमेशा। थैंक यू वेरी मच।